करेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे पता चलता है कि व्यक्ति का करेक्टर कैसा है या व्यक्ति का चाल चलन कैसा है। व्यक्ति किसी आपराधिक गतिविधि में तो सम्मिलित नहीं है या पहले कभी आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित तो नहीं रहा है। बात करें तो इस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत कई जगह पर पड़ती है, चाहे वे किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करना हो या फिर किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना हो, तो इन सभी में आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। दोस्तों, पहले हमें करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपने नज़दीकी थाना यानी पुलिस स्टेशन में जाकर ऑफलाइन आवेदन देना पड़ता था। इसके लिए हमें थाने में कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप अपने करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से बिना भागदौड़ किए ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर बैठे करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आपको आ जाना है अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और टाइप यानी सर्च बार में टाइप करना है यूपी कॉप। टाइप करने के बाद एक ऐप ओपन होगा यूपी कॉप का, आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो मेरे में जो ऑप्शन आ रहा है ओपन करने का आ रहा है, ओपन मैंने कर लिया है। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, FIR, कंप्लेंट, परमिशन, सर्विस इन्फॉर्मेशन। सर्विस पर आप क्लिक करेंगे। सर्विस पर सबसे पहला ऑप्शन है करेक्टर सर्टिफिकेट पेड सर्विस 50 रुपीज़, आप उस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक कर लेंगे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा आपसे, यानी अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन OTP कर सकते हैं या फिर लॉगिन वाया पासवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना होगा। तो यानी आप इस ऐप पर अपना रजिस्टर करेंगे, डोंट हैव रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे। उसमें क्रिएट अकाउंट में सबसे पहला आपको अपना नाम डालना होगा। जैसे ही नाम फिल करेंगे नीचे आपको मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी हैं आप अपना फिल कर देंगे। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद में आपको जो करंट आप मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं वो फिल करेंगे। आपको अपना पासवर्ड डालना है, यानी आपको पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद में करंट यानी कन्फर्म पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद में आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको दोस्तों लॉगिन है यानी यूज़र क्रिएट हो जाएगा, और यूज़र क्रिएट होने के बाद में आप वापस से स्क्रीन पर आएंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने में देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर जो यूज़र नेम होता है आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जो लॉगिन करके बताऊँगा, लॉगिन वाया पासवर्ड के थ्रू बताऊँगा। आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो यूज़र नेम आपने डाला है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको अपना पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद में आप दोस्तों लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे आपको क्लिक करने के बाद में एक नई विंडो फिर से आपको ओपन होगी। देखिए लॉगिन करने के बाद में आपको एक नई विंडो फिर से ओपन होगी। वहाँ पर देखिए फिर से आपको वहीं जाना है, आपको अपनी डिटेल्स जो आपने फिल की थी डिटेल्स वेरीफाई कर लेनी है करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के लिए। आपको अपनी डिटेल फिल करने के बाद में देखिए यहाँ पर आया फादर नेम, फादर नेम फिल करेंगे। जो जो यानी डिटेल्स मांगी जाएगी आपसे वही फिल करेंगे। फादर्स नेम फिल करने के बाद में आपको अपनी उम्र डालनी है। उम्र डालने के बाद आपको अपना एड्रेस फिल कर देंगे, यानी जिस एड्रेस यानी जिस गांव, शहर, कस्बे में भी आप रहते हैं आप वो फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में नीचे डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट आपको फिल कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट जिस जिले में भी आप रहते हैं। जिला फिल करने के बाद में आपको अपना नज़दीकी पुलिस स्टेशन आप फिल कर देंगे। आप किस अवधि यानी कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं वो डाल देंगे। उसके बाद अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे। अपलोड फोटो पर क्लिक करने के बाद में अपनों अपनी फोटो अपलोड करनी है। टिक पर क्लिक करके आई हेयर वाई कन्फर्म डिक्लेयर पर क्लिक करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में देखिए प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपको अपनी पेमेंट कटानी है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपसे वेरीफाई करेगा कि आपको जो पेमेंट है जो कटा रहे हैं आप वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करने में आपसे पूछा जाएगा कि आप एकदम करेक्ट डिटेल्स है। आप इस पर क्लोज करने के बाद में देखिए यहाँ पे डिटेल्स वेरीफाई की जा रही है। 50 रुपये आपको बताया जा रहा है कि 50 रुपये कटेंगे। प्रोसीड विद नेट पेमेंट पर आप क्लिक कर देंगे। प्रोसीड विद नेट पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में आपसे फिर एक नया विंडो ओपन होगी। वहाँ पर देखिए दिया गया है कि किस माध्यम से आप पेमेंट कटाना चाहते हैं, तो आप सभी इसमें चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद में जो आपको सूटेबल हो उस पर आप क्लिक करके आप पेमेंट कटा देंगे। मैं अदर बैंक क्रेडिट कार्ड से, मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कटा रहा हूँ। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद में आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है। डेबिट कार्ड नंबर डालना है,
जो भी आपका डेबिट कार्ड का, देखिए डेबिट कार्ड के ऊपर फर्स्ट में लिखा होता है डेबिट कार्ड का नंबर, वो आपको अपने डेबिट कार्ड का नंबर फिल कर देंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे यानी एक्सपायरी डेट में मंथ एंड ईयर फिल कर देंगे। मंथ एंड ईयर फिल करने के बाद में नीचे आपसे पूछा जाएगा कि कार्ड होल्डर का नेम, कार्ड होल्डर का नेम डाल देंगे। नेम डालने के बाद में देखिए कार्ड के पीछे 3 अंक का नंबर होता है CVV नंबर, वो CVV नंबर फिल कर देंगे। CVV नंबर फिल करने के बाद में नीचे कैप्चा फिल करेंगे, जो कैप्चा आपको दिया गया है, कैप्चा फिल करने के बाद में देखिए कैप्चा सही फिल करेंगे जैसे दिया गया है, कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में जो भी कैप्चा दिया गया है, आप उसको फिल करने के बाद में पे पर क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप फिल करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे, और सबमिट पर क्लिक करने के बाद में पेमेंट डिटेल कन्फर्मेशन का एक SMS आएगा कि आपकी जो पेमेंट्स है वो डिटेल सक्सेस हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी डिटेल्स यानी पेमेंट कटा पाएंगे, और जो सबसे ऊपर वाला डाउनलोड सर्टिफिकेट यानी जो डाउनलोड अकाउंटमेंट जो आपने फिल किए हैं और पेमेंट कटाई है उसको आप डाउनलोड अकाउंटमेंट पर क्लिक करके आप उसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो भी डिटेल्स आपने फिल किए हैं उसको चेक कर लेंगे कि अभी हमारा स्टेटस कहाँ पर है। तो देखिए जो स्टेटस दिखाया गया है कि ऊपर सब कुछ दे रखा, करेक्टर सर्टिफिकेट और आपकी पेमेंट जो है कट चुकी है। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन की डिटेल आ जाएगी, जो डेट ऑफ सबमिशन है, इस तरह से आप डिटेल चेक कर पाएंगे। दोस्तों इस तरह से आप अपना घर बैठे पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।